हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अगले विस्तार चैनल में। आज मैं एक बेहतरीन कार के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मेकर है मारुति। बट इसके अंदर आपको 7 सीटर के ऑप्शन में कार आ चुकी है, बट 5 सीटर के अंदर नज़र आती है, बट आपको प्राइवेट और यहाँ पे आपको और टैक्सी पास नज़र आते हैं, और प्राइवेट में भी नज़र आता है। अब येलो कलर में लेंगे तो पार्किंग वाली होगी, बट आज मैं एक बेहतरीन कार के बारे में, सी बच्ची लग रही है और मेरे पास 7 सीटर कार के ऑप्शन में नजर आ रही है, बट कोई भी आपको प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स नजर आते हैं, मेरे पास से पेट्रोल के अंदर दिए गए हुए काफी बढ़िया लग रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ मारुति के बारे में, मारुति इको के बारे में। तो मैं आपको फ्रंट से लुक दिखाने वाला हूँ, तो कैसा लग रहा है लुक आप देखना और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और आपके भाई ऐसे सपोर्ट करें तो मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ फ्रंट से। तो गाइस यहाँ पे बात करें तो कुछ ऐसा लगने वाला है इको का आगे वाला लुक, जो काफ़ी बढ़िया लगता है ना यहाँ पे। तो इसके फ्रंट में जाके आपको मैं दिखाता हूँ इसका लुक। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसके हेडलाइट के ऊपर आ जाते हैं पहले, यहाँ पे हेडलाइट नज़र आने में कुछ ऐसी कॉम्पिटिशन पूरा नज़र आता है इसके अंदर, हाई बीम और लो बीम नज़र आने वाला है। और यहाँ पे इसकी इंडिकेटर आ गई, यहाँ पे देखे तो ग्रीन कुछ ऐसे नज़र आ, छोटी सी यहाँ पे ग्रीन नज़र आती है। और यहाँ पे इसका आ गया बम्पर, इसके अंदर आप जगा सकते हो, इसके अंदर फॉग लैंप लगा सकते हो, मास्टर द्वारा भी लगा सकते हो, और यहाँ पे बाहर से भी लगवा सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे युवा बेस नजर आ, और यहाँ पे नंबर प्लेट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हॉर्न का आ गया, और यहाँ पे कुछ ऐसा लगने वाला है इसका बम्पर, जो काफ़ी बढ़िया लगता है ना इसके अंदर बम्पर। और इसके साइड आ जाए तो यहाँ पे इसके इंडिकेटर यहाँ पे नज़र आने वाली हमें, और यहाँ पे नज़र आने वाला इसके थ्री, और यहाँ पे ORVM जो काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे ORVM में कितने पतली यहाँ पे ORVM नज़र आते हैं, आपको हाथ से एडजस्टेबल करने पड़ेंगे। और यहाँ पे बात कर रहे थे इसके टायर ऑप्शन के बारे में, तो कहा टायर कुछ ऐसा लगने वाला है यहाँ पे, व्हील गैप नज़र आ जाए तो आपके इसके अंदर कोई भी स्टील रिम नज़र नहीं है, स्टील रिम नज़र आता है बट यहाँ पे अंदर भी हाँ व्हील कवर नज़र नहीं आने वाला। चीके के टायर नज़र आने 150/R13 CKM में टायर नज़र आने वाला है इसके अंदर। और यहाँ पे देखे तो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बड़ा और यहाँ पे ऊंचा नज़र आता है, बट आप इसके अंदर 80 तक चलाओगे तो काफ़ी बेटर है। और यहाँ पे हाँ चली तो जाएगी 120/130 तक भी, पर यहाँ पे सेफ्टी कोई भी नज़र नहीं आती मारुति के अंदर, तो आपको काम ही चलाना चाहिए इसको। यहाँ पे आप बात करें तो इसके हैंडल के बारे में, तो हैंडल कुछ ऐसे लगने वाले हैं यहाँ पे, मैट फिनिश के अंदर यहाँ पे चला सकते हो, सेम इंटीरियर में नज़र आने वाला है। और यहाँ पे बात करें कुछ ऐसे यहाँ पे डोर आप खोल भी सकते हो। अभी हम चले जाते हैं इसके रियर के अंदर, तो रियर में देखें तो रियर में कुछ ऐसा लगने वाला है यहाँ पे इसका लुक, जो काफ़ी बढ़िया लगने वाला है इसका लुक के अंदर से एकदम बाहर से एक्सटीरियर के अंदर से। और यहाँ पे बात करें तो कुछ ऐसा यहाँ पे पियानो ब्लैक से दिया गया हुआ है, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग आ गई इको के, यहाँ पे देखें तो क्रोम फिनिशिंग में दिया होता तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट ये भी सिंपल सा लग रहा है यहाँ पे हमें। यहाँ पे बात करें तो इसके लाइट यहाँ पे हेलोजन सेटअप में दी गई, अंदर से बल्ब भी यहाँ पे हमें रेड, यहाँ पे ब्रेक चलने वाले, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे रिफ्लेक्टर और यहाँ पे रिवर्स लैंप आ गया है। बम्पर देखे तो मैट फिनिश के अंदर नज़र आते, टर्क रिफ्लेक्स सेंसर हमें इसके अंदर नज़र आने वाला है, जो काफ़ी बढ़िया है। हाई लैंप स्टॉप लैंप आ गया, और यहाँ पे कुछ ऐसा लगने वाला है इसका लुक। और यहाँ पे बात करें तो रियर में यहाँ पे स्पेयर व्हील नज़र आता है, वहाँ पे देखे तो आपको फ्यूल टैंक आ गया, और यहाँ पे आ गया आपको इंजन नज़र आता है 1.2 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन नज़र आता है। और यहीं से आप इसको खोल भी सकते हो, यहाँ पे लाइट आ गई हेलोजन सेवन लाइट नज़र आने वाली, इसको खोल लेंगे तो बट यहाँ पे टच हो जाएगा। इसका स्पेस देखो तो स्पेस कुछ ऐसा लगने वाला है यहाँ पे, जो काफ़ी बड़ा है, इसमें स्पेस नज़र आता है हमें। और ये इसके अंदर देखे तो काफ़ी अच्छा है, अभी इसको बंद कर दे रहे। और यहाँ पे चले जाते फ्रंट के अंदर, तो मैं आपको फ्रंट पे जाकर दिखाता हूँ इसका लुक। तो गाइस मैं इसके अंदर आपको जाके दिखा दो इसका कैसा लगता है इसका लुक। तो यहाँ पे इसको अनलॉक कर सकते हो, और यहाँ पे इसको लॉक भी कर सकते हैं, इसको अनलॉक कर ले हम। और यहाँ पे इसके अंदर देखिए तो पूरा थीम इसका तो कुछ ऐसा लगने वाला है इसका डूर थीम, तो काफ़ी बेटर लगता है इसके अंदर। पूरा ब्लैक थीम नज़र आ रहा है, कोई भी आपको प्लास्टिक पार्ट नज़र नहीं आ रहा इसके अंदर, यही नज़र आता है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे नज़र आता है, तीन ही नज़र आते हैं। यहाँ पर हैंडल खोलने के लिए नज़र आता है, यहाँ पे देखिए तो कुछ ऐसा शीशा चढ़ाने और ऊपर करने के लिए नज़र आता है। यहाँ पे देखिए लॉक अनलॉक वाला सिस्टम नज़र आता है हमें, BMW में सेम नज़र आता है हमें। और इसके अंदर देखिए कि इसका सीट कैपेसिटी, तो यहाँ पे बात करें तो सीट की कैपेसिटी काफ़ी बढ़िया है, और इसके अंदर लुक देखिए सीट का तो काफ़ी बेटर नज़र आता है, कोई भी हेडरेस्ट नज़र नहीं आती है इसके अंदर, तो काफ़ी बेटर कार है। और यहाँ पे देखिए तो इको आपको पता है काफ़ी ज़्यादा दिखती है, और यहाँ पे इसको यूज़ भी कर सकते हैं इसको ट्रांसपोर्ट के अंदर। अब इसके अंदर बैठ जाते हैं, इसका इंटीरियर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो काफ़ी बढ़िया इसका इंटीरियर नज़र में आने वाला है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे बात करें तो इसके इंटीरियर के अंदर हमें बीच कलर यहाँ पे नज़र आने वाला है, यहाँ पे इसका हज़ार्ड आ गया, यहाँ पे इसी विंड देखेंगे हम तो कुछ ऐसा लगने वाला है। यहाँ पे फ्लो वाला सिस्टम आ गया, यहाँ पे अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो एसी वाला सिस्टम है, बट यहाँ पे कोई भी स्पेस नज़र नहीं आती, जिसको स्टार्ट कर देते तो स्टार्ट हो जाएगा फैन।
यहाँ पे देखे तो पैर में हवा ले सकते हो, सभी नजर आता है। टू एयर बैग नजर आते हैं इसके अंदर, वहां पे देखे तो वहां पे भी एक एसीमेंट नजर आता है हमें यहाँ पे देखेंगे। और ऊपर हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं इसके स्पीकर ग्रिल, यहाँ पे ग्रिल नजर आती है, कोई भी म्यूजिक सिस्टम नजर नहीं आता है इसके अंदर। अभी इसके चाबी देखेंगे तो चाबी कुछ ऐसा लगने वाला है यहाँ पे हमें, और यहाँ पे चाबी देखेंगे तो साथ ही साथ आपको अच्छा फील नजर आते हैं इसके अंदर, कोई भी सेंट्रल लॉकिंग लॉक सिस्टम नजर नहीं आता है इसके अंदर हमें। और यहाँ पे बात करें तो कुछ ऐसा लगने वाला है यहाँ पे सिस्टम है इसके, हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हो इसके अंदर, यहाँ पे डी इंडिकेटर भी आप इसके साथ चला सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे देखेंगे आप इसका फ्लो अप डाउन कर सकते हो इसकी लाइट को, ओके। और यहाँ पे एसीमेंट आ गया, अभी हम चला देते हैं इसके अंदर चाबी। और यहाँ पे इसका मीटर भी आप ध्यान रखिए, तो मीटर कुछ ऐसा लगने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसका मीटर ऑन कर दिया, ईबीएस नजर आता है इसके अंदर। और यहाँ पे बात करें तो एयरबैग का भी शाइन नजर आ रहा था अभी, और यहाँ पे चला गया हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पे अभी सीट बेल्ट का नजर आ रहा है हमें, और यहाँ पे टीचर ऑन, यहाँ पे देखे तो स्पीड मीटर आपको दिखाने वाला डिजिटल के अंदर, किलोमीटर आ गया इसके अंदर। देखिए तो एवरेज यहाँ पे 8 किलोमीटर चली हुई है, ट्रिप बी ए भी 8 और यहाँ पे 8 और ट्रिप ए ट्रिप बी, और यहाँ पे कोई भी एवरेज यहाँ पे शो नहीं करता। अब कितना पेट्रोल नजर आता है इसके अंदर भी शो नहीं करता, मेरे पास वो इको पेट्रोल के अंदर है। और यहाँ पे इसका देखेंगे स्टीयरिंग हम, तो स्टीयरिंग कुछ ऐसा नजर आने वाला है, इसको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पे सीट मैंने पीछे कर दी तो आपको स्टीयरिंग पूरा दिख रहा होगा यहाँ पे, तो स्टीयरिंग कुछ ऐसा लगने वाला है। 5x में कर दूँ तो कुछ ऐसा लगने वाला है इसका स्टीयरिंग, जो काफी बेटर लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे नजर आने वाला इसका कुछ स्टीयरिंग नजर आ रहा है, काफी बेटर स्टीयरिंग नजर आता है, इसको आप आगे पीछे नहीं करते, एक ही जगह पे रहने वाला है इसका स्टीयरिंग। यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर यहाँ वाइपर का सिस्टम नजर आने वाला है इसके अंदर, आपको फ्लो अप डाउन मूव कर सकते हो, लो कर सकते हो, हैवी चला सकते हो यहाँ पे। मोस्ट मीन्स कि आपको चलाना है कि आपको रेंज चल रहा है तो आपको एक ही फ्लो पे यहाँ पे 30 सेकंड के बाद एक ही बार चलेगा, 30 सेकंड के बाद एक ही बार चलेगा, कुछ ऐसा इसके अंदर मिस्ट के अंदर होने वाला है और कुछ ऐसा लगने वाला है। यहाँ पे देखे तो म्यूजिक सिस्टम आ गया, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर नजर आने वाला है, यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट आ गया, यहाँ पे कुछ ऐसा लगने वाला है इसका थीम, तो काफी बेटर लगता है इसके अंदर। और यहाँ पे बात करते हैं इसको, और यहाँ पे कुछ ऐसे बुक बुक यहाँ पे स्पेस काफी ठीक ठाक आपको स्पेस नजर आने वाला है इसके, ठीक ठाक ही आपको चला भी सकते हो। और यहाँ पे बात करते हैं इसके हैंडब्रेक आगे, और यहाँ पे देखे तो 5 गियर और एक रिवर्स का ऑप्शन नजर आता है इसके अंदर, 1200 cc का 4 सिलेंडर इंजन नजर आता है इसके अंदर। वहाँ पे भी सामान रख सकते हो, यहाँ पे कोई भी टिप सामान रख ले सकते हैं इसके अंदर आप। यहाँ पे देखे तो ABC और यहाँ पे डैड बटन दिए हुए हैं, यहाँ पर डैड बटन नजर नहीं आता, आप यहाँ पे पैर रख सकते हो। और यहाँ पे क्लोज वाला सिस्टम नजर आता है इसके अंदर, यहाँ पे बॉर्डर का हुड हमें नजर आता है इसके यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें तो कोई भी सामान नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल टैंक खोल के कैसे, तो मैं आपको पेट्रोल टैंक खोल के भी दिखाने वाला हूँ। तो हम चले जाते हैं बाहर की ओर में, बाहर जाके आपको दिखाता हूँ इसका डोर भी दिखाने वाला, और यहाँ पे आपको पेट्रोल का टैंक कैसे खोलते, तो हमें चाबी की जरूरत पड़ेगी, तो हम चाबी निकाल लेते हैं और मैं आपको जाके बाहर जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले देखेंगे हम इसके शॉर्ट कैपेसिटी को, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको लॉक ऑन वाला सिस्टम नजर आता है, आपको चाबी खोल के दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर पेट्रोल का हमें नजर आने वाला है, यहाँ पर पेट्रोल का दिख रहे हो, यहाँ पर भी पेट्रोल लिखा हुआ नजर आ रहा वाला, ये आप इसके अंदर सुना आ सकते हो। हम अभी चले जाते हैं इसके रियर के ऑप्शन के अंदर, तो मैं आपको रियर में जाकर दिखा रहा हूँ स्पेस, पहले इसके डोर खोल देते हैं अभी। और यहाँ पे रिखना है आपको रियर वाले होने वाला है, यहाँ पे बात करूँ तो इसके तो यहाँ पर नॉकर लॉक कर सकते हो, यहाँ से देखिए तो यहाँ पर लॉकर लॉकर इसका शरीफ अप डाउन भी कर सकते हो। अभी हम इसके अंदर बैठ जाते हैं और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखे तो 4 या 4 नजर नहीं आना वाला वो अपने इसके अंदर, वो फ्लाइट ही नजर आने वाला है, कहाँ से यहाँ पे दो लोग बैठ सकते हो। और यहाँ पे रियर वाले आपको ताकि दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे बात करें तो इसको मैंने बंद कर दिया, और इसका शीशा कितना खुलता है मैं आपको दिखाऊंगा। इसके रियर वाली खिड़की आप काफ़ी बड़ी नज़र आने वाली है यहाँ पे, इसके शीशे को हम खोल ले दें तो कितना खुल रहा है, तो कुछ ऐसे ही इतना ही खुलने वाला है इसके अंदर। यहाँ पे लॉक हो गया इसका शीशा, आपको आधा ही खुलने वाला, आधा नहीं खुलने वाला इसका शीशा। यहाँ पे इसको कर दे दिया अभी बंद, और यहाँ पे बात करें तो इसके हैंडल नजर आने वाले हैं यहाँ पे कुछ ऐसा, इसको खोल लेते हो ऐसे, अच्छा यहाँ पे हैंडल दिया गया हुआ है। यहाँ पर स्पेस देखो तो कुछ ऐसा लगने वाला है, यहाँ पे छोटा सा बम नजर आता है जो आपको ऊपर की ओर पैर रखने के लिए नजर आता है, आप देख रहे हो यहाँ पे, और कुछ ऐसा लगने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका इंटीरियर नजर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखे तो रूफ काफी बड़ी यहाँ पे नजर आ रही है इसके अंदर, और यहाँ पे 2 लोग आराम से इसके अंदर बैठ सकते, आपको 3 को बैठाना है तो 3 को भी बैठा सकते हो, छोटे बच्चे को बैठा लेना 3 हो जाएगी, ठीक है गाइस। अभी हम चले जाते हैं इसके, यहाँ पे हेडरेस्ट भी नजर नहीं आता, आपको सीट लगाने के लिए नजर आता है, यहाँ पे एक लाइट नजर आती है जो हर से सेटअप के अंदर नजर आने वाली है। अभी यहाँ पे रियर में देखे तो रियर में कुछ ऐसा लगने वाला है,
मैं आपको रिया में जाके दिखाता हूँ इसका स्पेशल। और यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो बैठेगा उसको आराम से यहाँ पे पैर लगा के बैठेगा, देख रहे हो आप कैसे बैठेगा। और यहाँ पे आपको जो सीट नज़र आती है काफ़ी बड़ी यहाँ पे सीट नज़र आती है, और यहाँ पे कोई भी स्पेस नज़र नहीं आता हमें। यहाँ पे आप स्पेस देखो तो ठीक ठाक स्पेस नज़र आता है, मेरे जैसे बंदे तो यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ फिर भी, तो यहाँ पे देखें तो इसके अंदर स्पेस कितना नज़र आ रहा है। मैं कुछ ऐसे बैठा हुआ यहाँ पे, इतना स्पेस यहाँ पे स्पेस है, मतलब मेरी उंगली भी नहीं जा रही यार गाइस, आप देख रहे हो मैं कितना इसको दबा रहा हूँ तभी जा रही है। और यहाँ पे मेरे पैर भी देखो कितने यहाँ पे स्पेस पे, आप देख रहे हो कितनी बड़ी है यहाँ पे, देखो कितना खुला नज़र आ रहा है इसके अंदर। और यार थोड़ा सा आगे करोगे तो यहाँ पे लगे जा जाएगा, क्योंकि लगे तो यहाँ पे सिस्टम नज़र इक्वल काफ़ी बैटल कार है, बट इसके अंदर आपको कोई भी सिस्टम नज़र नहीं आता, आपको कोई भी आप अनकम्फर्टेबली बैठ पाओगे इसके अंदर, ऐसा कुछ नज़र आता है यहाँ पे भी नज़र आने वाला है। और यहाँ पे देखे और यहाँ पे हैंडल स्टॉपर नज़र आता है रियर के अंदर, आपको काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे एक पकड़ने के लिए नज़र आता है, यहाँ पे एक स्वीट बेंच आता है, बट यहाँ पे स्विच भी निकाल दिया हुआ और यहाँ पे इसके अंदर दिया गया हुआ है, जो काफ़ी बेटर इसके अंदर नज़र आता है। और इस कार आपको सीएनजी में भी अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से काफी बेटर कार आपको नजर आती है इसके अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, लाइक से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपके भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहे, तो बाय।